हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ़ यू। एंड मैं अपने देश पर बहुत प्राउड करती हूँ और आज उसी के लिए मैंने वीडियो बनाई है। ये रेसिपी जो है मैं अपने इंडिया को और अपने देश के जवान को, जवान जो है हमारे, उनको डेडिकेट कर रही हूँ। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी जो नोटिफिकेशंस है वो आपको मिलती रहे। और चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया है सबसे पहले ये खोआ, जो मैं थोड़ा घिस चुकी थी, लेकिन फिर बाद में मुझे याद आया कि नहीं, मैंने वीडियो ऑन नहीं किया, तो इसलिए मैंने अब ऑन कर आपको दिखा रही हूँ। तो ये जो खोआ मैंने लिया था, अप्रॉक्स हाफ के जी था ये, तो मैंने हाफ के जी जो है वो उसको घिस लिया है अच्छे से पूरा। और घिसने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ताकि, और हम इसे घिसेंगे इसलिए ताकि इसके सारे लम्स निकल जाए। और लम्स निकलने से ये होता है कि आपकी जो मिठाई है वो एक इवन उसमें रहती है, टेक्सचर रहता है उसका। और अब ये हम नारियल का बुरादा ले लेंगे 200 ग्राम, और आप इसको घर में भी आप कद्दूकस कर सकते हो, मार्केट से भी ले सकते हो, आजकल मार्केट में भी मिल जाता है। तो मैंने 200 ग्राम लिया है और वो पूरा पैकेट मैंने इसमें डाल दिया है। और उसके बाद मैंने लिया है ये 6 से 7 इलायची, और इनको मैंने कूट लिया है। कूटने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है इसको। और अब मैंने मिश्री ली है, ये मिश्री मैंने घर में ही पीसी है, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। इसको पीसने के बाद छान लीजिए और छानने के बाद इसको यूज़ कीजिए। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी, और मिश्री की जगह आप चीनी भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको यूज़ करना है आप। और शुगर फ्री आजकल जैसे डायबिटीज़ है लोगों को, तो शुगर भी शुगर फ्री यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे हाथ से, ताकि इसमें थोड़ी सी गर्माहट आए। और ये एक लड्डू इसको जो हमें बनाना है इसका, तो उसे बाइंड करने में इजी हो, तो इसको अच्छे से हम ऐसे हाथ से कर मिक्स करेंगे। ये चीज़ स्पून से नहीं हो पाएगी, तो इसको इसके लिए आपको अपना हैंड ही यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको हैंड से अच्छे से यूज़ करें, मिक्स करेंगे ऐसे अच्छे से जैसे मैं कर रही हूँ। तो चलिए मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ हाथ से, और उसके बाद मैं आपके साथ आगे का प्रोसेस शेयर करूँगी। अब ये देखिए, इसका जो लड्डू का मटेरियल है वो रेडी हो चुका है, और अच्छे से पूरा जो इसमें खोआ है और नारियल है और जो मिश्री हमने डाली है वो अच्छे से मिक्स हो गई है। तो ये देखिए, अब मैं लड्डू आपको एक बनाकर दिखा रही हूँ। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये अच्छे से मिक्स हुआ है या नहीं हुआ। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक आप इसको मिक्स करते रहिए। और अब ये देखिए, अच्छे से बिल्कुल पूरा परफेक्ट लड्डू बन गया है इसका। तो इसको मैं अब ना आपको, आपके लिए बता देती हूँ मैं, कि आप इसको 3 पार्ट्स में, ये जो पूरा मिक्सचर है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिएगा, ताकि आपके इक्वल क्वांटिटी में लड्डू बने। मैंने क्या किया था, पहले इसमें से प्लेन मैंने वाइट बना लिए, और उसके बाद मैंने 2 पार्ट के लिए बचा लिया था। तो पहले प्लेन वाइट बना कर रख लिया मैंने साइड में, उसके बाद जो 2 पार्ट्स बचे थे उसमें मैंने, आगे मैं आपको दिखाती हूँ इसमें, कि मैंने उसमें एक में ऑरेंज कलर डाला है और दूसरे में ग्रीन कलर डाला है, क्योंकि हम बना रहे हैं तिरंगे की कलर का, तो इसीलिए ऑरेंज और ग्रीन। और अभी मैंने वाइट देखिए बनाकर रेडी कर लिया है। इस तरीके से बनेंगे हमारे लड्डू। तो अब ये जो मैंने आपको बताया था कि मैंने 2-3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो उसमें से मैंने एक का वाइट बना दिया है। अब ये सेकंड मैं ऑरेंज बनाने जा रही हूँ, तो उसके लिए मैंने ये ले लिया है जो इसका मटेरियल है, और इसमें मैं डाल रही हूँ ऑरेंज कलर। तो ये कलर मैंने हाफ टी स्पून डाला है, और इसको मैं अच्छे से इसमें मिक्स कर दूँगी ताकि इसका कलर अच्छे से एनहेंस हो के आए इसमें। और अगर आपको थोड़ा कम लगता है आप अपना कलर मिक्स कर देख लीजिएगा, क्योंकि हर ब्रांड का कलर अलग अलग होता है। तो इसको मिक्स कर आप देख लीजिएगा, अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप मत डालिएगा, और अगर कम लग रहा है तो आप और डाल सकते हैं। और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर, एकदम तिरंगे वाला ही कलर आ गया है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने, और अब हम इसके लड्डू बना लेंगे। तो चलिए मैं आपको इसका लड्डू बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए, हाथ से आपको इस तरीके से इसको अच्छे से गोल शेप देनी है, ताकि ये राउंड रहे। और अगर आपसे नहीं होता तो आप इसको पीसीज में भी कट कर सकते हैं, प्लेट में रख कर सेट कर लीजिएगा, वो आपकी बर्फी बन जाएगी। लेकिन फ़िलहाल हम इसका लड्डू बना रहे हैं, तो हम इसको राउंड राउंड कर सकते हैं हाथ से। और अगर आपको नहीं भी आता, आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। और अब मैं इसके जल्दी से लड्डू बना लेती हूँ। और ये देखिए, एक बनकर रेडी भी हो चुका है। तो इस तरीके से आपका लड्डू दिखेगा जब बन जाएगा, वो कलर भी बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए मैं ये सारे बना लेती हूँ, और उसके बाद अब मैं दूसरा स्टेप बताऊँगी आगे। तो
अब मैं आपके लिए थर्ड प्रोसेस पे आती हूँ। उसके लिए मैंने ये वाइट कलर का जो थर्ड मैंने पार्ट रखा था, तीसरा हिस्सा जो मैं बता रही थी वो ले लिया है मिक्स मिक्सचर का, और उसमें फिर मैंने ये वाला ग्रीन कलर डाला है। ऑरेंज कलर भी मैंने यही लिया था इसी ब्रांड का, तो आप भी देख सकते हैं। और इसमें मैंने डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर चुकी हूँ मैं कलर को, और वो मैंने लिया है हाफ टी स्पून। टी स्पून होता है वो छोटा चम्मच जो होता है ना, वो उसको टी स्पून बोलते हैं, बड़े चम्मच से जो छोटा साइज़ का आता है। तो उसको मैंने मिक्स कर दिया है अच्छे से डालकर इसमें, और अब मैं इसके लड्डू बना रही हूँ। तो देखिए कलर कितना अच्छा आया है, एकदम तिरंगे वाला कलर। और जब मैंने ये देखा बनाया तो कितना अच्छा लगा मुझे देख कर, कि बिल्कुल सेम वही कलर आया है और बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। और उसके बाद मैंने, चलिए मैं आपको सारे लड्डू बनाकर अभी दिखाती हूँ कि कैसे बने हैं। मैं जल्दी जल्दी से बना देती हूँ। तो अब ये देखिए हमारे सारे तीनों कलर्स के लड्डू, तिरंगे वाले जो कलर्स हैं उनके रेडी हो चुके हैं। और उसमें मैंने अशोक चक्र को थोड़ा दिखाने के लिए, इसमें मेरे पास ब्लू कलर नहीं था तो मैंने क्या किया, लॉन्ग लगा दिया है, और वो इतना ब्यूटीफुल लग रहा था देखने में। और आप ये रेसिपी आप ट्राई कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप ये कलर्स ऐड ही करें इसमें, आप कोई और कलर्स भी ऐड कर सकते हैं जो आपको चाहे। जैसे कि आप अगर गणेश चतुर्थी के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें येलो कलर ऐड कर सकते हैं, या जन्माष्टमी के लिए बना रहे हैं तो आपको अगर कोई और कलर ऐड करना है या फिर नहीं करना तो आप वाइट भी रख सकते हैं इसको। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको, और मेरी बाकी रेसिपीज़ को भी वॉच कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।